दोस्तों आज की जो वीडियो है एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी जीएसटी टैक्स के दौरान हम इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं, आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारी बुक्स को देख के, हमारे रिकॉर्ड को देख के भी हमें गवर्नमेंट को जीएसटी का टैक्स डिपॉजिट करवाना है या हमारा एडवांस टैक्स अभी भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हुआ हुआ है, और जो टैली सॉफ्टवेयर जो जीएसटी की रिटर्न्स तैयार करता है उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, यानी कि जीएसटी R3 भी है, जीएसटी R1 है, तो कौन सा रिकॉर्ड टेली सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक उठाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये सारा रिकॉर्ड मैन्युअली करके बताएंगे भी जो टेली सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो रिटर्न किस तरीके से तैयार करता है। और आज की वीडियो में हम ये भी बात सीखेंगे भी हम कौन से टैक्स को कौन से टैक्स के एडजस्ट कर सकते हैं किसके साथ में, जैसा कि हमारा IGST टैक्स है वो इनपुट है और हमारा जो CGST टैक्स या फिर SGST टैक्स हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है तो क्या हम IGST में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सा टैक्स एडजस्ट हो सकता है कौन सा टैक्स एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये आज का जो वीडियो दोस्तों हम ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ सीखेंगे, तो वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको जो जीएसटी की रिटर्न्स है वो कैसे बनती है और उसके पीछे लॉजिक क्या होता है ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे भी हमें जीएसटी का इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होता क्या है। तो दोस्तों हमने 3 मंथ का रिकॉर्ड हमें तैयार करना है, जून मंथ का, जुलाई मंथ का और अगस्त 2021 मंथ का, और हमने हमारी जो परचेज की जो रिकॉर्ड है वो भी 3 मंथ की हमने करी हुई है। F2 के साथ हम सारा डाटा ओपन कर लेंगे तो इसमें आप देख रहे हो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड जून मंथ के भी हैं, कुछ जुलाई के भी हैं और कुछ अगस्त मंथ के भी हैं। तो हम इस 3 मंथ की अगर रिकॉर्ड अगर मैनुअल रूप से तैयार कर लेंगे, इसको समझ लेंगे तो हमें सारी जो कहानी है जीएसटी रिटर्न की वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल चार्ट पे, और एक्सेल चार्ट पे हमने ये जो चार्ट बनाया हुआ है इस पे हमने लिखा हुआ है इनपुट जीएसटी टैक्स, जिसको हम शॉर्टकट ITC बोल देते हैं, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलना है, टोटल इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट टैक्स जितना कि हमारा सेल हमने करी है उस सेल के ऊपर कितना CGST टैक्स है, कितना SGST टैक्स है या फिर कितना IGST टैक्स बनता है, और कैसे हमें इनपुट टैक्स है जो या पेबल टैक्स हमारा बनता है उसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास है जून मंथ, तो हम टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं और सबसे पहले हम जून मंथ का रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं, वहाँ से हमें इजीली समझ में आ जाएगा, और Alt F2 के साथ इसकी डिटेल हम ओपन करेंगे 1/6 से लेके 30/6 तक, और Alt F1 के साथ डिटेल ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो भी हमारी कुछ परचेज भी है, GST 18% की और GST 12% की, और यहाँ पर कुछ हमारे पास सेल है GST 18% की है और 12% की है, जिसमें कुछ हमने आउट ऑफ स्टेट की भी सेल करी है और कुछ हमने लोकल की भी सेल करी हुई है। तो जो टोटल सेल हमारी जून मंथ की 1 जून से लेकर 30 जून तक की वो है 74,599 रुपये की। और अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर जो GST R3 भी तैयार करते हैं वो कैसे तैयार कर रहा है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे और GST R3B को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर हम पीरियड दे देंगे 1 जून से लेके 30/6 तक का, 1/6 से लेके 30/6 तक। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमारे पास जो टोटल सेल आ रही है वो 74,599 रुपये की आ रही है। तो अब हमने जो रिकॉर्ड तैयार किया, पहला रिकॉर्ड हमें तैयार करना है जून मंथ में हमने कितना परचेज किया, तो उसके ऊपर हमें टैक्स के रूप में कितना टैक्स हमने एडवांस पे कर दिया परचेज बिल के ऊपर। तो हम रिपोर्ट को अगर देखें GST R को, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई यानी कि हमारी सेल कितनी है और इनवर्ड सप्लाईज हमारी परचेज कितनी है। तो अगर हम परचेज की बात करें तो आपको केवल सिंगल परचेज आपको दिखाई दे रही है, इंटर स्टेट परचेज यानी कि हमने केवल आउट ऑफ स्टेट से ही परचेज करी है, हमने कोई लोकल परचेज नहीं करी है। तो ये है इसकी परचेज की वैल्यू और ये इसका टोटल टैक्स। अगर हम इस इनवॉइस पे आके देखेंगे डिटेल के साथ देखेंगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर वो हमारे पास एक परचेज का इनवॉइस है, और इस परचेज के ऊपर जो हमें IGST लग के आता है वो हमारा एक तरीके का इनपुट टैक्स होता है, और ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1,13,250 रुपये। आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया जाएगा, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको समझाने के लिए हमें लंबा वीडियो बनाना जरूर पड़ेगा,
ताकि आपको प्रॉपर सही तरीके से इसकी कहानी समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो इनपुट आउटपुट की कहानी में उलझे रहते हैं। भी इनपुट किसको बोलते हैं, वो इनपुट इसलिए बोलते हैं भी हमारा जो सेल है, हमने कस्टमर से पैसा लिया तो टैक्स तो हमारे पास आया है, तो वो सेल को इनपुट समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परचेज के ऊपर जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स होता है। तो हमारा जो जून मंथ का जो IGST टैक्स है वो है 16,065 रुपये। तो हम एक्सेल शीट में डालेंगे, यहाँ पे CGST 0 है, SGST भी 0 है और IGST टैक्स है हमारा 16,065 रुपये। तो ये टोटल इनपुट भी हमारा इतना ही हो जाएगा। और उसके बाद बारी आएगी हमारे पास आउटपुट टैक्स की। तो आउटपुट टैक्स में आप देख रहे हो टोटल जो सेल है हमारी 74,599 रुपये की है, तो 74,599 रुपये की। तो अब इसमें जो CGST हमारा आउटपुट टैक्स बना है, तो CGST में आप देख रहे हो ये है हमारा इंटरग्रेटेड यानी कि IGST टैक्स, ये CGST टैक्स और ये SGST टैक्स, और ये इनकी फाइनल अमाउंट। तो CGST के रूप में हमें 1862.55 रुपये हमारा आउटपुट बन रहा है, 1862.55 रुपये। तो इतना ही हमारा SGST टैक्स बनेगा। और IGST जो टैक्स है वह 5655 रुपये और 75 पैसे। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल इनपुट आउटपुट टैक्स हमारा बन गया। अब हम बात करेंगे कि टोटल हमारे जो नेक्स्ट मंथ है, अब उस मंथ में इस मंथ मान के चलो इसी मंथ की हम बात करते हैं भी, जून मंथ में हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो कितना करवाना पड़ेगा, तो अभी आप देख रहे हो CGST SGST की परचेज तो हमारा मतलब परचेज कुछ भी नहीं है, इनपुट हमें नहीं मिल रहा है इसका CGST SGST का, लेकिन हमारी सेल जरूर है लोकल की, तो जिससे हमारा आउटपुट CGST और SGST टैक्स हमारा बन गया। तो अब हम बात करने वाले हैं भी जो डिफरेंस कितना बचेगा, जो यहाँ पर हमने अभी तक लिखा हुआ है बैलेंस पेबल या ITC, यानी कि अगर आपका टैक्स डिपॉजिट करवाना बन रहा है या फिर आपने एडवांस टैक्स दे दिया, तो हम जो हमारा आउटपुट है उसमें से इनपुट को लेस करेंगे। तो आप देख रहे हो इसमें तो इनपुट है नहीं, तो ये तो हमारा CGST और SGST, ये तो हमारा आउटपुट ही बनेगा। अब बात करते हैं हमारी IGST की। तो IGST हमारा 5655.75 रुपये आउटपुट है और 16,065 रुपये हमने गवर्नमेंट को परचेज बिल पे कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये IGST का जो टैक्स है वो तो हमने 10,409.28 रुपये एक तरीके से एडवांस पे कर दिया, और ये हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है CGST और SGST के टैक्स के रूप में। तो अब यहाँ पर बात आए कि क्या हमारे पास जो हमने IGST के रूप में जो टैक्स एडवांस पे कर दिया उसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों IGST टैक्स है वो भी एक तरीके का सेंटर का टैक्स है, और जो CGST टैक्स है वो भी सेंटर का टैक्स है, लेकिन हम IGST टैक्स को सेंटर के साथ और स्टेट के साथ दोनों के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन CGST और SGST को आपस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो हमारा अब नेक्स्ट मंथ के लिए बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए आउटपुट कितना बनेगा या कैरी फॉरवर्ड कितना रहेगा। तो बात करेंगे भी 10,409 रुपये हमारा एडवांस पेमेंट है, तो इसमें से जो हमारा CGST और SGST का जो टैक्स है यानी कि 3725 रुपये और 10 पैसे का, ये हमारा इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें से हम इन दोनों टैक्स को माइनस कर देंगे, तो यानी कि 10,409.28 रुपये हमारा गवर्नमेंट को एडवांस देना है, इसमें से हम 1862.55 रुपये को एक एडजस्ट कर देंगे और 1862.55 रुपये CGST को एडजस्ट कर देंगे। तो अब हमारा जो बैलेंस रह जाएगा वो गवर्नमेंट के पास रह जाएगा 6684.18 रुपये। ये जून मंथ का एंड का रिकॉर्ड है 30 जून तक का। और हम टेली सॉफ्टवेयर में जाके देखते हैं भी जून मंथ का हमारा सॉफ्टवेयर क्या दिखाता है। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और यहाँ पर भी हम पीरियड चेंज करेंगे 1/6 से लेकर 30/6 तक का, और LTFN की डिटेल के साथ देखेंगे। तो आप यहाँ पर जब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 6684.18 रुपये ही दिखाएगा। इसकी डिटेल पर हम जाके देखेंगे तो वो भी आपको सारी डिटेल दिखाएगा भी। अब आपका जो 10,409.28 रुपये IGST के रूप में आपका डेबिट पड़ा हुआ है और ये CGST और SGST के रूप में क्रेडिट, यानी कि ये आपकी लायबिलिटी बन रही है, तो इसमें से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो अभी देख रहे हो इसका जो बैलेंस है इंटरप्राइज की तो सारी डिटेल आ जाएगी, IGST के रूप में आपका इतना टैक्स है, तो आपका 16,065 रुपये आपका परचेज पे इनपुट था और ये 5655 रुपये आपका सेल पे आउटपुट बन गया। तो इसका प्लस माइनस करेंगे तो ये नेट डिफरेंस रह जाएगा 10,409 रुपये का, और ये सारा आउटपुट ही है।
तो इनका जो ऑल ओवर जो डिफरेंस रह जाएगा प्लस माइनस करने के बाद में, तो 6684 रुपये और 18 पैसे रह जाएगा, और ये हमारे पास अब एक्सेल में आ रहा है। अब बात आती है जुलाई मंथ की, भी जुलाई मंथ के अंदर हमारा पिछला बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड है, यानी कि हमें ये पैसा अभी हमें डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एडवांस पैसा गवर्नमेंट को दे रखा है। अब जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ के अंदर हमारा पिछला CGST के रूप में कितना पड़ा था, SGST के रूप में कितना पड़ा था, या फिर IGST के रूप में कितना पड़ा था। तो अब हम बात करें भी प्रीवियस मंथ के अंदर हमारा CGST तो कुछ नहीं था क्योंकि वो हमने IGST में एडजस्ट कर लिया, तो ये इसका प्रीवियस मंथ यानी कि जो हमने यहाँ पर हेडिंग जो दी हुआ है प्रीवियस मंथ का, यानी कि जून मंथ का लास्ट का बैलेंस कितना था। तो CGST SGST तो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पर जो IGST का जो टैक्स है वो हमारा रह जाएगा 6684 रुपये 18 पैसे का, और उसके बाद में हमने जुलाई मंथ में कितना और परचेज कर लिया इसकी डिटेल हम टेली में जाके देखेंगे। 3B में हम जाएंगे GST की रिपोर्ट पे, डिस्प्ले पर हम GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे और 3B को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम पीरियड देंगे जुलाई का 1/7 से 31/7 तक का। तो 31/7 में आप देख रहे हो हमारे पास टैक्सेबल सेल है और ये लोकल की परचेज भी है, एक लोकल की परचेज है और एक आउट ऑफ स्टेट की परचेज है। तो इस जुलाई मंथ में हमारे पास आउट ऑफ स्टेट की सेल नहीं, केवल लोकल की सेल है। तो जो टोटल सेल की जो वैल्यू है एक बार हम वही लिख देते हैं, 21,110 रुपये, और जो CGST SGST है वो 1,648 रुपये और 20 पैसे, और यहाँ पर भी ये 1,648 रुपये और 20 पैसे का। तो IGST कुछ है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं इनपुट की। तो इस दौरान हमने परचेज जो की है, तो IGST हमने पे कर दिया परचेज बिल पे 11,507 रुपये और 40 पैसे का। तो 11,507 रुपये 40 पैसे, और CGST के रूप में 8,746 रुपये और 89 पैसे, और 8,746 रुपये 89 पैसे, यानी कि ये हमारा इनपुट टैक्स हो गया। अब इसके अंदर 6684 रुपये हमारा पिछला बैलेंस था, 11,507 रुपये हमने इसमें और पे कर दिया, तो टोटल IGST के रूप में जुलाई मंथ में हमारा 18,191 रुपये 58 पैसे हो जाएगा, और ये CGST और SGST टैक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भी इस जुलाई मंथ के एंड में हमारा कितना बैलेंस बचेगा। तो इस जुलाई मंथ के अंदर हम जितना हमारा आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट को हम माइनस कर देंगे, तो 1,648 हमारा आउटपुट है और हमें इनपुट मिल रहा है 8,746 रुपये 89 का। तो यानी कि अब 7,098 रुपये हमारा CGST का बैलेंस है जो गवर्नमेंट के पास एडवांस है, इतना ही हमारा स्टेट का है। और अब हम बात करते हैं IGST की। तो IGST तो इस बार हमारा आउटपुट तो कुछ है नहीं, केवल सारा का सारा इनपुट है, तो ये 18,191 रुपये और 58 पैसे सारा का सारा ही में इनपुट के रूप में मिलेगा। तो अब जुलाई मंथ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के पास हमारा टोटल बैलेंस 32,388 रुपये 96 पैसे का एडवांस अभी भी पड़ा हुआ है क्योंकि हमारा आउटपुट टैक्स कम है। तो अब ये जो टेली में हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट पर हम जाएंगे, LTIP 2 के साथ हम पीरियड चेंज करेंगे 1/7 से 31/7 तक, और यहाँ पर भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर इसका हम बैलेंस देखेंगे GST का, तो यहाँ पर भी आपको 32,388 रुपये और 96 पैसे ही शो करेगा। डिटेल पर हम जाएंगे तो डिटेल भी आपको सारी ये देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है 6,684 रुपये, और इस साल आपका डेबिट इतना हुआ है और क्रेडिट इतना हुआ है, यानी कि 3,296 रुपये ये जो टैक्स है ये टोटल आपका CGST और SGST टैक्स मिला के है। तो अब बात आती है अगस्त मंथ की। तो अगस्त मंथ में हमने कितना आउटपुट और कितना इनपुट है, तो इसके लिए हम वापस डिस्प्ले पर जाएंगे, GST रिपोर्ट पर जाएंगे और 3B में जाएंगे। दोस्तों ये जो हम एक्सेल में जो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं वो भी एक तरीके का 3B ही तैयार हम कर रहे हैं। तो यहाँ 1/8 से लेकर 31 अगस्त को हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख आप देख रहे हो टोटल आपकी सेल ही है, इस मंथ में हमने कोई डाटा परचेज किया ही नहीं, इनके परचेज इनवॉइस हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जो टोटल सेल है हमारी वो 3,05,740 रुपये की, यानी कि दोनों सेल लोकल की और आउट ऑफ स्टेट की। तो 305,740 रुपये हम आउटपुट सेल में लिखेंगे, और उसके बाद में IGST के रूप में हमारा जो टैक्स बन गया वो 32,124 रुपये 24 रुपये और 84 पैसे, और CGST का जो टैक्स बन गया वो 4,909 रुपये और 98 पैसे, और इतना ही हमारा SGST टैक्स बनेगा। और इस मंथ के अंदर हमारा इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रीवियस पिछला बैलेंस अभी तक पड़ा हुआ है। तो जो पिछला बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है
वो था सीजीएसटी के रूप में, तो था 7,098.89 का। तो इस बैलेंस को यहाँ पर हम आगे उठा लेंगे और इसको भी यहाँ से हम आगे उठा लेंगे, और ये आईजीएसटी के रूप में ये टैक्स पड़ा था। तो अब इस बार जो हमारा टैक्स बन गया आउटपुट, तो सीजीएसटी एजीएसटी मतलब इनपुट में से आउटपुट हम लेस कर देंगे, तो इनपुट में से ये आउटपुट में से इनपुट लेस करेंगे, तो कंट्रोल वी और कंट्रोल इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या बन रहा है, अब यहाँ पर इसको करने को अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं भी। हमारा पिछला मंथ का यानी कि जून मंथ के अंदर हमने गवर्नमेंट को यहाँ तक 7,098.69 एडवांस था, और इस बार हमारी कोई परचेज कुछ हुई नहीं है, यानी कि हमने टैक्स कोई पे किया ही नहीं है परचेज के ऊपर, लेकिन हमारा सेल हमने करी है, तो आउटपुट टैक्स हमारा बन गया। तो इस आउटपुट ये जो हमारा बना है इस इनपुट में से लेस करेंगे, तो 2188.71 अभी भी गवर्नमेंट के पास एडवांस है, इतना ही हमारा स्टेट का टैक्स यानी कि एसजीएसटी टैक्स एडवांस है। लेकिन अब आईजीएसटी का जो टैक्स है, जो पिछला हमारा पास बैलेंस था वो 18,191 का गवर्नमेंट के पास एक तरीके से एडवांस पड़ा था, लेकिन इस बार हमारा आउटपुट टैक्स बन गया 32,124, यानी कि इनपुट से आउटपुट ज़्यादा हो गया। तो अब हमें जो टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा आईजीएसटी के रूप में, वो 13,933.26 का तो डिपॉजिट हमें जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन ये बाकी का जो डिफरेंस है ये हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। अब बात आएगी यहां पर, क्या जो आउटपुट हमें आईजीएसटी के रूप में टैक्स बन रहा है क्या हमें वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें डिपॉजिट करवाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आईजीएसटी का जो टैक्स है वो हमारा सीजीएसटी के साथ और एसजीएसटी के साथ में एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे? अब 13,933 आपके टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, लेकिन हमारा एडवांस जो पड़ा हुआ है 2188.71 प्लस 2188.71, तो यानी कि 4,370.42 एडवांस पड़ा है और ये पैसा देना है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो अब गवर्नमेंट को हमें जो डिपॉजिट कराना पड़ेगा वो 9,555.84, ये हमें अब डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो क्या हमारी एक्सेल की टैली में जो हमारी रिपोर्ट आ रही है वो भी इतनी आ रही है? उसके देखने के लिए हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और 1 अगस्त से 31 अगस्त का पीरियड सेलेक्ट करेंगे, एल्ट एफ वन के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो बैलेंस है, पहले यहाँ पर माइनस में जो शो कर रहा था अब ये प्लस के साथ आ गया 9,555.84 का, यानी कि अब ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, हमें गवर्नमेंट को टैक्स है जो आईजीएसटी के रूप में अब डिपॉजिट कराना पड़ेगा, क्योंकि जो सीजीएसटी है एसजीएसटी का उसका बैलेंस हमने जीरो कर दिया। अभी जो टैक्स डिपॉजिट होगा वो केवल और केवल आईजीएसटी के हेड में ये 9,555.84 जो डिपॉजिट हमें कराना पड़ेगा, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास एक्सेस था वो हमने आईजीएसटी के टैक्स में एडजस्टमेंट कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो रिपोर्ट तैयार होती है टैली सॉफ्टवेयर में, जो टैली सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो जीएसटी की रिटर्न जो तैयार करते हैं वो इसी बेस पे तैयार करते हैं। फिर टोटल जैसे हम GR3B के देखेंगे, LTF1 यानी कि अब 1/6 से लेकर 31/8 तक की रिपोर्ट देखें 3 महीनों की, तो 3 महीनों की अगर आप टोटल बात करो तो हमारा आउटपुट टैक्स बनता है 54,622 का, और हमें ITC जो मिला हुआ है यानी कि जो परचेज पर हमने जो टैक्स दिया है वो 45,066 का, तो आउटपुट का टैक्स है वो हमारे इनपुट टैक्स से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका जो ज़्यादा का जो डिफरेंस है वो ही हमें डिपॉजिट कराना है, और वो हमें पूरा एक्सेल चार्ट के साथ हमें पता होना चाहिए भी हमें आउटपुट जो टैक्स जमा कराना है वो कौन से हेड में कराना है, कोई सेंटर को करवाना है या स्टेट का कराना है या फिर IGST का कराना है, क्योंकि इसका प्रॉपरली हेड हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हो हमारा जो CGST SGST हमें डिपॉजिट नहीं करवाना लेकिन IGST करवाना था, तो अब ये IGST जो इसका जो बैलेंस है वो अब जीरो हो जाएगा, और इसका पैसा इसमें एडजस्ट होने के बाद में ये 9,555.84 हमें डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर यही हम इसके कॉम्पिटिशन की बात करें टैली में GST के, तो आपको यहाँ पर GST का एनुअल कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसमें भी आप पूरी डिटेल देख सकते हो। LTF1 ओपन हम कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो सप्लाईज है हमारी भी लिखा हुआ है आउटवर्ड एंड इनवर्ड, यानी कि जो परचेज और जो सेल है आपकी, तो वो उसकी सारी डिटेल, जैसे ये आपकी टोटल सेल आ गई B2C की और B2C के टोटल मिला के, तो इसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पर टोटल वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। ये आपका सेल, इस सेल के ऊपर इतना टैक्स, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम शॉर्टकट ITC बोल देते हैं, तो ये आपका ITC मिलेगा आपको, यानी कि टोटल आपका ये IGST के रूप में, ये CGST के रूप में और ये SGST के रूप में, तो टोटल आपको 45,066.18 का जो ITC मिलेगा, तो डिफरेंस हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो
तो दोस्तों आई होप कि आज का जो ये वीडियो है इनपुट और आउटपुट का, इसका आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।